सेम है ना वो वैल्यू, ये बचपन में हम लिखते थे इसको, आप लोग नहीं लिखते थे, हम लिखते थे, एग्जाम में नहीं करते थे, लेकिन एग्जाम में करते थे तो वो भी ऐसे कर देता था मार्क्स में। बेटा मेरे को देख के सब लोग को लगता है कि एमटेक कर लेंगे, अरे एमटेक सब लोग, मेरे पूरे दोस्तों भी एमटेक किए हुए, ऐसा नहीं है कि हर एक एमटेक किया बंदा इतना ही जानता है, हाँ ऐसा मत सोचना आप लोग कभी भी कि हर एक आईटी कानपुर का बंदा ऐसी जानता है, आईटी कानपुर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लेकिन मेहनत आपको खुद करना है, सही है ना। एक एक चीज नोट कर लेना बेटा, एक एक चीज, हर चीज को नोट कर लेना, क्यों, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में आपको सपोज एमएससी वालों की क्लास देनी लगेगी। सर कब लेंगे हम एमएससी वालों की क्लास, जब आप पीएचडी करोगे तो एमएससी वालों को हो सकता है लैब जाना पड़े, सीधे तरह से पढ़ाना पड़े, जनरेटर पढ़ाना पड़े, फेट फेट पढ़ाना पड़े, वो पैन पढ़ाना पड़े, इतना अच्छा पढ़ा देना कि वो फैन बन जाए आपका, तो बताना कि अच्छा क्यों पढ़ाते, रीजन देख। अभी आप यहाँ पे आ जाओ, ये एक ऐसा फिल्टर है, सीरीज आरएलसी सर्किट इज अ बैंड पास फिल्टर, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके 3 डीबी बैंडविड्थ के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट नोट टू एवरीवन, सर क्या नोट बताना चाहते हो आप, इधर से लेकर इधर से, इधर से लेकर इधर तक, ये क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस सर, इसको मैं बोल रहा हूं डब्ल्यूबी, अरे डब्ल्यूबी नहीं, बीडब्ल्यू, व्हाट इज बीडब्ल्यू, डब्ल्यूबी तो वेस्ट बंगाल हो जाता, ममता दीदी आ जाती फिर यहां पे, तो यहां पे अपने को बीडब्ल्यू लिखना है। व्हाट इज बैंडविड्थ, बेटा कोई बैंडविड्थ बोले या 3 डीबी बैंडविड्थ बोले, दोनों क्या है, सेम, आग बंद करके सेम, कोई बैंडविड्थ बोले कोई 3 डीबी बैंडविड्थ बोले, आग बंद करके दोनों सेम, तो ऐसे इसका मतलब नहीं आग बंद करके ही बोलने लगे, आग बंद करके मतलब बिना सोचे समझे, मतलब जरा दिल पे ले लियो, नहीं सर मैं आग बंद करके बोलूंगा बैंडविड्थ और 3 डीबी बैंडविड्थ बराबर है, अरे आग बंद करने का नीड नहीं है, मैं बता रहा हूं दोनों सेम है, बस खत्म, विदाउट एनी थॉट। सो व्हाट इज बैंडविड्थ, बड़ा फ्रीक्वेंसी माइनस छोटा फ्रीक्वेंसी, अजय भी है क्या अभी, तो व्हाट इज बैंडविड्थ सर, बैंडविड्थ को हम 3 डीबी बैंडविड्थ बोल सकते हैं, मैं बोला यस बेटा, तो वो हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1, कितना आया चेक करो जल्दी, दिस माइनस दैट, ए रूट वाला टर्म गेट्स कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस है, लेकिन आपने इस माइनस को हटा देना बेटा, ये माइनस नहीं आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसे कर लेना आप, इग्नोर दिस माइनस साइन सर, क्यों, भूल जाओ जरूरत नहीं है, ओके अब बोलोगे सर कैसे, बोलोगे सर कैसे, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन को या अश्वत्थामा को सब चीज सिखा दिए होते हैं तो वो अपने गुरु से ही युद्ध करने लग जाते, भूल जाओ, ये तो हो गया। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो r by 12 माइनस ऑफ r by 12, व्हाट इज दैट, अरे गजब बात हो गई, बोलो क्या, अरे बोलो ना सर, शर्म आ रही है ना, हाँ अरे क्या हो गई, गजब बात हो गई सर, r by l का ना डायमेंशन पता चल गया मेरे को, r by l का डायमेंशन कितना होगा सर, बैंडविड्थ के बराबर, और बैंडविड्थ जो ओमेगा लिखा हुआ है वही क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड के बराबर, तो अगर r by l का डायमेंशन बोलोगे तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। So, अगर कोई बोलता है व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट, तो इसका डेरिवेशन समझ में आया, हाँ हाँ मजा आया, मुझे बड़ा मजा आया, आपको मजा नहीं आया, उसे आई डोंट केयर एट ऑल, मैं बोलता हूँ कि एक टीचर को बड़ा मजा आना चाहिए जब वो खुद पढ़ा रहे तो, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट, अगर कल के डेट में जब उन्होंने पूछ लिया है रेजोनेंस के लिए, वो क्या बोला पता है आपको, सर्किट में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कि किस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, तो ओमेगा नॉट पे जेड मिनिमम होगा और करंट क्या होगा, मैक्सिमम, ऐसे फर्जी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, लेकिन पता है आपको जब इसका सॉल्यूशन मैं देखा ना यूट्यूब में लोगों को डालते हुए, मैं बोला भाई ऐसे मैं देख रहा था, मैं बोला अच्छा ये है सॉल्यूशन इसका, तो मैं बोल मैं क्या बोल रहा था पता, अंदर अंदर आओ कभी हवेली में अंदर अंदर, वो जितने लोग सॉल्यूशन डाल रहे थे ना एनटीए वालों का, कि सर वो जो आपके 3.5 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल था, तो सीरीज आरएलसी का न्यूमेरिकल था, उसमें ऐसे पूछा था कि किस फ्रीक्वेंसी में करंट ज्यादा होगा, अरे भाई उसके फ्लैशबैक पे तो जा, जब तू फ्लैशबैक पे जाएगा तो खुद ही फ्लैश हो जाएगा, ये देखो यहां तक हो गया, अभी तो बैंडविड्थ के बारे में बात, सर अजय का मैसेज आया है, वो नेटवर्क इशू की वजह से म्यूट हो गया था, ओके इसको अनम्यूट करते हैं, पता है क्लासेस में ना सारे बच्चे वो ओबीडियंट नहीं है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग चले जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं मेरे को, फिर चले जाते हैं, फिर देखते हैं मेरे को, पढ़ा रहे अच्छा चले जाते फिर, अरे भाई आओ आए हो पढ़ने के लिए तो ढंग से पढ़ो यार, अच्छा ठीक है चलो मैं एक बात करता हूँ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 यार जल्दी जल्दी, ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू, यार है क्या, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, अच्छा नहीं समझ में आया अभी ना, मैं पता है अभी मैं 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं उनको बोलूंगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, तो फट से भैया ए प्लस बी इन ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, उनको रटवाया मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी, और उसको प्रूफ भी करा दिया, बोलता भैया वाह आप तो गजब मैथमेटिशियन हो, ऐसा मेरे को बोल रहा था, अरे इसको ले लो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना रहा है, 1/√LC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक 1/√LC Is this visible to omega naught square? Yes. So I can say that resonant frequency of oscillation is a geometric mean of omega h dot omega l. Or else, same. Geometric mean, bhul gaye kya geometric mean? No, sir. Omega 2 dot omega h. Sorry, omega 1. Ye dekho, ye bhi ek important derivation tha humare paas. Jab se class shuru hui hai, derivation chal raha hai. Theek hai? Yes, sir. Achha.
यार आर बाई एल क्या होता है, बैंडविड्थ, ओमेगा वन क्या होता है, लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टू क्या होता है, हायर 3dB फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सब में रिलेशनशिप तो निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको देखो, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर मेरे को याद नहीं आ रहा, बट स्टिल 2π इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन एल और सी, 2π इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस एल एंड सी डिवाइड बाय इन वन साइकिल। इसका डेरिवेशन के लिए मेरे को आरएमएस वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं यहां पर डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं, पी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी फेज शिफ्ट हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये याद किया होगा आप लोगों ने, कभी तो पढ़ा होगा आरएमएस वैल्यू, यस सर, कितना आता है, रूट नहीं आते तो याद रख लो, इसका हो चाहे कॉस का हो, डीसी वैल्यू कितना आता है, दोनों का डीसी वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि अरे भाई एसी सिग्नल है ना, दोनों दोनों कैसे सिग्नल है, एसी, तो एसी सिग्नल का डीसी पार्ट क्या होगा, जीरो, डीसी सिग्नल का एसी पार्ट क्या होगा, डीसी का एसी जीरो, एसी का डीसी जीरो, सिंपल है ना। बस याद क्या करना है यार, तो क्या मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन में कितने होल्स होंगे, जीरो, होल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जीरो, तो बीएम कॉस ऑफ ओमेगा टी इसका सारा का सारा आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, और इसका हो चाहे उसका हो, इसका डीसी वैल्यू कितना आएगा, जीरो। सर ये कैसे पता चला, अरे a नॉट बाय 2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी n कॉस ऑफ n पाई टी बाय c प्लस bn sin ऑफ n पाई टी बाय c इज नथिंग बट फॉर योर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, इस वजह से आया वो, ठीक है। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन, 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस l / c डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेटेड r इन वन साइकिल, ठीक है। मेरी 4:00 को वापस क्लास है, तो मैं ऑन टाइम ही क्लास ऑफ कर दूंगा, अदरवाइज रेस्ट नहीं मिलेगा मेरे को। देखो ध्यान से, क्वालिटी फैक्टर 2 पाई, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन l और c, तो चलो l की बात करते हैं, हाफ l l i स्क्वायर कर लिया, i m स्क्वायर कर लिया, ठीक है, डिवाइड बाय What is the power across resistor? Power of resistor is nothing but I square into R, yes or no? Yes, I square into R, good Ajay. लेकिन वो per cycle बोल रहे हैं ना भाई, वो per unit time. तो current क्या होगा? Current तो ऐसे होगी ना, I RMS square. अभी RMS नहीं पढ़ा है, but ध्यान रख लो, अगर AC होगा तो I RMS square करोगे. What is I RMS की value? Minus root 2. I m by root 2, अभी तो बताया? Yes, sir. ये हो जाएगा I m square by 2 D. इंटू आर, तो उसकी पूरी वैल्यूज को मैं यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2t इंटू आर, ठीक है। आगे देखो सर, यहाँ पे कुछ जगह पे हमें डाउट आ जा रहा है, तो बेटा थोड़ा बहुत बेसिक आप पढ़ के रखिएगा, आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं और डी सी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1/2 है ना, ये भी कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ये पूरा भी कैंसल आउट हुआ, ये पूरा भी कैंसल आउट हुआ, व्हाट इज 1/t एफ, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2π, इसको ऊपर भेज दो, 2π एफ एल इंटू आर, सही है? Yes, sir. अरे बोलो ना, yes, sir, ये तो गजब बात हो गई, बोलो गजब बात हो गई, गजब बात हो गई, आप तो बोलो सर कैसे, अरे 2π के बराबर क्या, ओमेगा एल बाई आर, और गजब बात हो गई, बोलो क्या, yes, sir. नहीं ऐसा बोलो ना, पहले गजब बात हो गई, यस सर, गजब बोलो ना, तभी तो मेरे हिसाब से रहोगे, तभी मैं पढ़ाऊंगा, तो नहीं ये तो गजब बात हो गई, सर बैंडविड्थ बराबर क्या है, आर बाई एल, वो तो एल बाई आर था क्या, यस सर, तो सर कुछ तो लोचा है, लोचा मतलब, यस देयर इज समथिंग सीक्रेट हिडन बिहाइंड ओमेगा, अरे तो बैंडविड्थ का रेसिप्रोकल है ना, वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एंड बैंडविड्थ, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, सर ये डायरेक्टली लिखा देते तो, अरे डायरेक्टली लिखाने में वो मजा नहीं है, जो डिराइव करने में है, देखो इधर ऐसे मैं क्या पढ़ रहा था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, याद रखिएगा, व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओगे तो ये नजर आएगा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, these days I'm here talking about the sum of root, product of root, AB plus BC plus CA like that roots, यहाँ पे हूँ, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे चल रहा है अभी, तो ठीक है इतना, तो quality factor कितना आ रहा है, omega by bandwidth, अच्छा just मेरे को थोड़ा और time दे दो, थोड़ा fast कर सकता हूँ, इतना तो कर लिया, तो बेटा अगर आप C से भी करते तो यहाँ लिखते half C B square, तो यहाँ पे करते, अब यहाँ पे B को cancel करना है, क्या करते, B square by R भी तो power का formula होता है ना, तो यहाँ लिखता V RMS square R by time period and what is V RMS, Vm by root 2, फिर derive हो गया, एक कीजिएगा, मैंने इस L के एक्सपेक्ट में किया, C के एक्सपेक्ट में करोगे तो सीखोगे, सर मेरे को नहीं सीखना है, तो फिर एक काम कर, स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट हो जा, ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर व्हाट इज जीटा फॉर सीरीज RLC सर्किट, अल्फा बाय ओमेगा नॉट, नहीं सीरीज RLC डैम्पिंग फैक्टर बेटा,
आर बाई टू रूट एल सी बाई एल आर बाई टू रूट सी बाई एल सी बाई एल व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर वी हैव डिराइव्ड राइट नाउ लेट मी राइट दैट क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस डिवाइड बाय बैंडविड्थ व्हाट इज बैंडविड्थ आर बाई एल और एल बाई आर सर व्हाट इज ओमेगा नॉट वन बाय रूट एल सी सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ आर एल सी वन बाय रूट एल बाई सी आ रहा है आप बताओगे ना क्वालिटी फैक्टर बराबर 1 बाय r रूट l बाय c वी गॉट सम यूनिक थिंग व्हाट इज दैट यूनिक थिंग इज नथिंग बट वी हैव फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 zeta यस और नो यस सर इतना डेरिवेशन अगर आपको कोई बताएगा यहां तक का तो बोलना गुलशन सर कोई से 10 10 ज्यादा आता है ये अभी सैंपल बताया मैं ये मैं क्यों कराया पता है उन सारे बच्चों के लिए जो मेरे को अंडरएस्टिमेट करते हैं याद रखना बेटा जो मैंने सैंपल दिया ना कुछ भी नहीं है मेरे को एक बार फ्रीडम दिया गया था तो 10 घंटे तक सिर्फ सीरीज एनालिसिस पढ़ाया था फिर बच्चों ने बोला सर रोड छोड़ दो फिर आप बोले सर टॉपिक जानते हो ट्रांजिएंट फ्री एनालिसिस फर्स्ट टॉपिक बोडी प्लॉट नाइक्स प्लॉट पोलर प्लॉट एंड स्टेट स्पेस एनालिसिस फॉर दिस वन ऐसे अंडरएस्टिमेट मत करना कभी भी मेरे को जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होता है वहीं से मेरा नॉलेज स्टार्ट होता है डीज मैं बुक क्यों पढ़ रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे को फादर ने बोला हुआ है अगर मेरे को पापा नहीं बोला तो बुक पढ़ने तो नहीं पढ़ता मैं तो जस्ट इन ऑर्डर टू पे हिम रिस्पेक्ट मैं बुक पढ़ रहा हूं बस ये सही है ना यस सर अब आप बोलोगे सर क्वालिटी फैक्टर देखो अगर मैं इस आर को घटाता हूं जस्ट आर को इस आर को घटाऊंगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा इंक्रीज इंक्रीज इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आपको एक नया ग्राफ बनाना है अगर आप मेरे मेरे स्टूडेंट हो मेरे को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये ग्राफ बनाओगे सर ये एक एल शेप कर्व बना गया आराम से एल शेप कर्व बन गया सर ठीक है गुड समझ में आता है सर हो सकता है ग्राफ ऐसा भी बने ठीक है फैल गया लेकिन उसका हाइट क्या हुआ इंक्रीज हो गया नेक्स्ट येलो बचा हुआ है येलो बचा हुआ है ये ऐसा भी हो सकता है और ज़्यादा फैल जाए तो वापस सुनो ये ग्राफ फिर से बनाइएगा अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसका क्वालिटी फैक्टर Q1 है ये ग्रीन वाले का क्वालिटी फैक्टर Q2 है और ये ऑरेंज और येलो वाले का क्वालिटी फैक्टर Q3 है क्लियर yes, ये अलग से बनाइए जल्दी बनाइए जल्दी और डाउट आउट आज की क्लास में होगा नहीं एकदम बारहवीं क्लास का छूट दूर की बात है ग्यारहवीं क्लास का यूज़ किया और वो भी ग्यारहवीं क्लास पहले पढ़ा चुका हूँ मैं है ना ये बताओ किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा दिख रहा है आपको Q1 का तो जिसका ज्यादा क्वालिटी फैक्टर उसका सेलेक्टिविटी ज्यादा अब आप ये जस्ट इमेजिन करो पढ़ा रहा हूँ क्वालिटी फैक्टर 20,000 हो गया जनरली क्वालिटी फैक्टर बेटा सीरीज एलसी का 5, 10, 15, 20 तक जाता है मैं बोला क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाओ 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 इतना बढ़ा दिया मैं सर बार बार क्यों बोल रहे हो आधे लोग शॉक में चले जाएंगे इसीलिए क्वालिटी फैक्टर को इतना बढ़ा दिया मैं और बढ़ा दिया मैं और बढ़ा रहा हूँ बढ़ाते ही जा रहा हूँ तो एक टाइम पे ना जब क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी हो जाएगा ना तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जनरेट हो जाएगा सर क्या बात कर दी आपने मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ पॉल डिराक होता ना तो वापस फिर से सुसाइड कर लेता पॉल डिराक होता तो बोलता इतना गुड एप्लीकेशन 2021 में कोविड के बाद भाई तो तू कुछ भी कर सकता है अब उस क्वालिटी फैक्टर को इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया मैं तो सेलेक्टिविटी इज इन पीक लेवल मतलब अगर मैं 99 हर्ट्ज भेज रहा हूँ ना एग्जैक्ट 99 हर्ट्ज को ही पिक करेगा वो 99.00002 हर्ट्ज को भी पिक नहीं करेगा इतना अच्छा रिसीवर पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज तक कोई ऐसा सर्किट नहीं बना पाया जिसकी क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट हो हाँ लेकिन सर आजकल की डेट में हम क्वालिटी फैक्टर 10,000 से लेकर 20,000 तक का क्वालिटी फैक्टर बनाए हैं लेकिन सर कैसे क्रिस्टल का यूज करके क्वार्ट्ज टॉर्मलिन रॉचल सॉल्ट इसका यूज करके हाई क्वालिटी फैक्टर डिजाइन करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर अगर पीक पे करोगे तो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी क्यों क्योंकि इधर और इधर की देखो अब ब्लू लाइन को देखो ब्लू लाइन एक ही जगह की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है क्या yes, उधर की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ रहा उसको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स आपने सुना होगा स्ट्रे डॉग्स STRAY स्ट्रीट डॉग्स को एक और नाम से जानते हैं हम स्ट्रे डॉग्स तो इधर उधर की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ना उसको बोलेंगे STRAY स्ट्रे फ्रीक्वेंसी इधर की फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ो इधर की फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ो इट मींस क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट वेरी हाई एंड इट इज अप्रॉक्सिमेटली 20,000 तक जो हम यूज करते हैं और जो प्रोसेसर में यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी तो उसमें जो क्वालिटी फैक्टर है वो 2 लाख के आसपास होता है 2 लाख 4 लाख तक क्वालिटी फैक्टर जाता है समझ में आया एक चीज याद रखना जो मैंने पढ़ाया इट्स नथिंग इफ आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस सर्किट मैं बोलूंगा ये तो कोई भी पढ़ा देगा अपने आप को ठीक है लेकिन किसी भी टीचर की बात करवा बेटा मैंने एक दिन बोला भी था जब मैं पढ़ाऊंगा तो पेशेंस लेवल आप डिसाइड करेगा मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ट्राई करो चीज़ों को समझ लो तो सर क्वालिटी फैक्टर का क्या मतलब है अगर क्वालिटी फैक्टर हाई तो अच्छा बैंड पास फिल्टर बनाऊंगा मैं और सर ये क्या पढ़ाया आपने इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट अलॉन्ग विद दैट वी हैव कंप्लीटली स्टडीड व्हाट फिल्टर बैंड पास फिल्टर ना अब हम पढ़ाएंगे सर आप बैंड पास फिल्टर आगे पढ़ाओगे बोलने की नीड नहीं है बैंड पास फिल्टर यूजिंग ओपैम पढ़ाऊंगा मैं अब क्योंकि बैंड पास फिल्टर यूजिंग आरएलसी पढ़ा चुका हूं मैं तो अब मैं पढ़ाऊंगा बैंड पास फिल्टर यूजिंग ओपैम हाँ लो पास फिल्टर यूजिंग आरसी पढ़ाऊंगा हाई पास फिल्टर यूजिंग आरसी पढ़ाऊंगा लेकिन अब बैंड पास फिल्टर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यही बैंड पास फिल्टर है
रियल वर्ल्ड का. हाउ इज द क्लास? अमेजिंग सर. ओके, एंड इफ यू वांट माय क्लास टू बी अमेजिंग, यू जस्ट हैव टू फॉलो माय मैथमेटिक्स, माय रूल्स. यस सर. माँ लाइफ नहीं बोल रहा मैं, वाला वाला नहीं बोल रहा. वो लोग नोटिंग करते हैं. तो देखो बेटा, एक टाइम के बाद ना हम इसके बारे में भी बात करेंगे. ये देखो, अरे मैं ज़्यादा क्यों लिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा, मतलब मैं और ज़्यादा लेता, मेरे को मन कर रहा था और लेने का, लेकिन मेरी क्लास है अभी. ये वाला भी हम बाद में बात करेंगे. ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस द सेकंड ऑर्डर एलपीएफ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन. याद रखना, अगर मुझे कल बोला जाएगा ना कि कल आप क्लास लो सीरीज एलएलसी का, इससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा. तो डू नॉट कंपेयर माई प्रेजेंट लेक्चर विद माई फ्यूचर. सेकंड ऑर्डर एलपीएफ, मैं बार बार ध्यान से बोल रहा हूँ, अगर जून बैचेस में कोई आता है पढ़ने के लिए तो मैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा. इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरा पार्ट है. मैं तो डेली अपडेट करूंगा. क्लियर? यस सर. और इंडिया में खराब स्टूडेंट क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि टीचर अपने आपको अपडेट नहीं कर रहा है. क्योंकि टीचर अब बैठ के टेबल चेयर पर पढ़ना नहीं चाहता, उसको लगता है नॉलेज गेन कर लिए, हमको मोक्ष मिल गया. भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जिससे भी जो जो सीखने को मिले सीख लो. क्लियर? तो बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने. एंड वी आर गोइंग टू लाइक स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो. टॉपिक क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और डेली बस कॉपी को पढ़ते रहिए बार 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 बार, मल्टीपल टाइम्स. ओके, और जो आपको जो रिमेनिंग पार्ट बोला है ना कि क्वालिटी फैक्टर यूजिंग कैपेसिटी डिराइव कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा. yes, sir.